hello students today our topic is python programming and in this lecture we are going to discuss some programs related to python programming especially related to tuple so we'll discuss uh, tuple in this lecture and uh, we'll see the program which implement tuple we'll see how we can create tuple and uh, what are the different operations that we can perform on tuple so we will see the concept of tuple in this video so let's start this is program number 21 Python tuple. So, what is a tuple? A tuple is a, is basically in Python, is similar to the list, but it is of immutable data type. While list is a, as we know that it is a, list is a mutable data type, but tuple is a immutable data type. Okay. Second thing, how we can represent a tuple so basically tuple can be represented by using a sign of parenthesis whatever we write within the within the parenthesis at the time of variable declaration that is considered as a tuple but parenthesis is optional so when we represent a tuple we basically use a sign of parenthesis but sign of parenthesis is Optional. So, without uh, using parenthesis sign, if we write different elements, then it is also considered as a tuple. As you can see here, a tuple is created by placing all the items, element inside parenthesis, separated by commas, and the parenthesis. ऑप्शनल हाउ इट इज अ गुड प्रैक्टिस टू यूज दैन एंड टपल कैन हैव एनी नंबर ऑफ आइटम्स एंड दे में टपल में सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा रिप्रेजेंटेशन क्या है और टपल क्या है टपल एक डेटा टाइप है टपल ये टपल के थ्रू हम डिफरेंट एलिमेंट्स को एक रिप्रेजेंट कर सकते हैं अब वो एलिमेंट्स इंटीजर फ्लोट लिस्ट या स्टिंग्स कैसे भी हो सकते हैं जिस तरह से लिस्ट और डिक्शनरी कंटेनर होते हैं ये डिफरेंट एलिमेंट्स को कंटेन करते हैं उसी तरीके से टपल भी है आ, लेकिन डिफरेंस जो है टपल में और लिस्ट में टपल आपका इम्यूटेबल डेटा टाइप है जबकि लिस्ट एक म्यूटेबल डेटा टाइप है सेकेंड रिप्रेजेंटेशन की बात आती है रिप्रेजेंटेशन हम पैरेंथिस साइन के थ्रू करते हैं लेकिन इसमें पैरेथिस ऑप्शनल होता है तो भी हम पैरेंथिस के अंदर इंटीजर वैल्यू डिक्लेयर करें फ्लोट वैल्यू डिक्लेयर करें लिस्ट टेस्टिंग डिक्लेयर करें और जितनी वैल्यू डिक्लेयर करेंगे सबको कॉमा से सेपरेट करेंगे तो ये पहचान होगी कि एक टपल है और पैरेंथिस साइन अगर यूज़ नहीं भी करते तो भी कोई एरर शो नहीं होगी वो टपल ही कंसिडर किया जाता है तो ये टपल के बारे में था तो मेन पॉइंट्स पहली बात आपको याद रखनी चाहिए कि ये टपल एक इम्यूटेबल डेटा टाइप और ये एक तरीके से कंटेन करता है डिफरेंट टाइप्स की वैल्यूज़ को लाइक लिस्ट एंड लिस्ट एंड डिक्शनरी लिस्ट और डिक्शनरी दोनों म्यूटबल हैं जबकि टपल इम्यूटेबल है और जहाँ तक रिप्रेजेंटेशन की बात है तो हम पैरेंथिस का यूज़ करते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए टपल को बट ये ऑप्शनल है अगर आप यूज़ नहीं करते तो भी कोई टपल uh, ही कंसिडर किया जाता है लेकिन uh, ज़्यादातर केसेस में मोस्टली हम इसको यूज़ करते हैं क्योंकि ये अच्छी प्रैक्टिस मानी जाती है कि हम इसको यूज़ करें प्रॉपर वे में रिप्रेजेंट करें कि ये टपल है तो इसीलिए और जहाँ तक इसकी डेटा आइटम्स की बात है जो टपल कंटेंट किया रहता है वो इंटीजर हो सकता है फ्लोट हो सकता है लिस्ट हो सकता है इवन स्टिंग भी हो सकता है तो ये डिफरेंट टाइप्स की डेटा वैल्यूज हो सकती हैं चलिए प्रोग्राम देखते हैं और इसे ये है हमारा प्रोग्राम नंबर वन अभी टपल का पार्ट वन ट्वेंटी वन पार्ट वन प्रोग्राम नंबर ट्वेंटी वन पार्ट वन तो सबसे पहले क्वेश्चन यही आता है कि आप अगर टपल क्रिएट करेंगे तो सबसे पहले एम टी टपल क्रिएट कैसे होगा तो एम टी टपल सिंपल है आप पैरेंथेसिस साइन के अंदर अगर कुछ भी ना लिखें तो वो एक एम टी टपल कंसिडर किया जाएगा जैसे यहाँ पर हमने लिया माई अंडर स्कोर टप्पल और इक्वल टू हमने पैरेंथेसिस का साइन दिया यहाँ पर अब हम अगर माई एंडेस को टप्पल को प्रिंट कराएंगे तो कोई एरर शो नहीं करेगा वो एक एम्प्टी टपल होगा ओके अब अगर इंटीज वैल्यूज़ हो तो पैरेंथिस के अंदर वन कॉमर टू कॉमर थ्री इस तरीके से हम इंटीजर वैल्यू लिख देंगे वेरवल uh, के नाम फिर से हमने वही माई एंडस को टप्पल लिया है प्रिंट कराएंगे तो ये एक टप्पल प्रिंट हो जाएगा जिसकी वैल्यूज़ वन कॉमर टू कॉमर थ्रीज है ठीक है और ऐसा नहीं है कि इंटीजर है तो इंटीजर होंगी फ्लोट है तो फ्लोट वैल्यू ही हो सकती है इसके अंदर मिक्स डेटा टाइप भी हो सकते हैं इंटीजर भी हो सकती है फ्लोट भी हो सकती है स्ट्रिंग भी हो सकती है उनका कॉम्बिनेशन भी हो सकता है टपल के अंदर जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल में हमने लिया माइनस को टपल इज टू तो वन कामा हैलो कामा थ्री पॉइंट फोर थ्री डिफरेंट टाइप्स की वैल्यूज़ हैं थ्री से ज़्यादा भी ले सकते हैं मोर देन थ्री भी ले सकते हैं तो वन एक इंटीजर है हेलो एक स्ट्रिंग है थ्री पॉइंट फोर एक फ्लोट वैल्यू है इसको प्रिंट कराएंगे तो ये प्रिंट हो जाएगा बात आती है नेस्टे टपल की नेस्टेड टपल क्या है नेस्टे टपल जैसे नाम है नेस्टे टपल मीन्स टप्पल के अंदर टपल अगर हम डिफाइन करें टपल इनसाइड ए टपल ठीक है तो वो एक नेस्ट टप्पल है और ऐसा नहीं है कि हम टपल के अंदर सिर्फ इंटीजर फ्लोट स्टिंग वैल्यू को डिफाइन कर सकते हैं हम लिस्ट को भी डिफाइन कर सकते हैं और इवन टपल के अंदर टपल को भी डिफाइन कर सकते हैं डिक्लेयर कर सकते हैं तो हमने डिक्लेयर किया है यहाँ पर माई एंड इसको टपल माउस माउस एक स्टिंग है एट फोर सिक्स अ द एलिमेंट्स ऑफ ए लिस्ट ये एक लिस्ट का एलिमेंट है तो लिस्ट को डिफाइन किया है एज एलिमेंट ऑफ ए टपल और उसके बाद हमने डिफाइन किया है आप देखेंगे उसके बाद हमने कॉमा लगाया तो वन कामा टू कामा थ्री पेरेंसिस के अंदर है, इसका मतलब एक टपल है तो इनसाइड द टपल दे इज़ ऑल्सो ए टपल दैट इज कॉल्ड नेस्टेड टपल तो इसे नेस्टेड टपल बोलते हैं और ये हम कर सकते हैं इसके बाद प्रिंट कराएंगे माई गंड टपल को तो ये एक वेरिएबल है जिसमें हमने इस टपल को डिफाइन किया है तो ये आपका प्रिंट हो जाएगा तो इसमें प्रोग्राम में ये बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि टपल को किस तरीके से क्रिएट किया जाता है और टपल के अंदर हमें एलिमेंट कौन से लेने होते हैं तो हम एम टी टपल क्रिएट कर सकते हैं विदाउट एनी एलिमेंट हम इंटीजर क्रिएट कर इंटीरियर वैल्यू ले सकते हैं हम मिक्स डेटा टाइप वैल्यूज ले सकते हैं और हम टपल के अंदर टपल भी डिफाइन कर सकते हैं ये इसका मेन मोटिव था ये समझाने का आपको चलिए आगे देखते हैं आउटपुट आप सभी को पता होगा कि आउटपुट क्या आएगा ये आपका आंसर है आउटपुट इस तरीके से आपका शो होगा जब आप एग्जीक्यूट करेंगे इस प्रोग्राम को तो आई थिंक अभी क्लियर विजुअल होगा आपको ये टप्पल के एलिमेंट्स हैं पर यहाँ फिर से मैं एक बार बात रिपीट कर देता हूँ अपनी कि टप्पल को विदाउट यूजिंग पैरेंथेसिस भी हम क्रिएट कर सकते हैं तो पैरेंथेसिस की कोई कंपल्शन नहीं है कि आप पैरेंथेसिस साइन के साथ ही टपल को क्रिएट कर सकते हैं ठीक है और जब हम पैरेंथेसिस के साथ क्लियर डिक्लेयर करते हैं तो टपल के डिफरेंट एलिमेंट्स को डिक्लेयर करने को टपल पैकिंग बोला जाता है तो पैकिंग होगी तो अनपैकिंग भी हो सकती है ठीक है चलिए देखते हैं कन का प्रोग्राम देखते हैं सिंपल सा प्रोग्राम है देखिए सबसे पहले हमने एक टपल डिक्लेयर किया विदाउट यूजिंग पैरेंसिस साइन क्योंकि पैरेंथिस के थ्रू तो साइन के थ्रू तो हम पैरेंथेसिस के थ्रू तो हम करीब अभी हमने किया ही है इस बार हम करते हैं विदाउट यूजिंग पैरेंथिस साइन तो माई अंडस को टपल लिया दो वेरिएबल डिक्लेयर किए थ्री कॉम फोर पॉइंट सिक्स अब इसमें क्या है स्टूडेंट अक्सर यहाँ कन्फ्यूज हो जाते हैं कि टू डिफरेंट वेरिएबल्स टू डिफरेंट वैल्यूज़ को सेम वेरिएबल असाइन किया गया है देखने में ऐसा लगता है ठीक है अगर आपको टपल की नॉलेज नहीं है तो लेकिन एक्चुअली में हो क्या रहा है यहाँ पर कि ये आपके एलिमेंट्स ऑफ टपल हैं और ये दोनों एलिमेंट्स ऑफ टपल आपके थ्री और फोर पॉइंट सिक्स जो फर्स्ट लाइन में डिक्लेयर किए गए हैं माई अंडरस्कोर टपल जो एक वेरिएबल है उसको असाइन कर दी गई हैं ये वैल्यूज़ इसके बाद आप प्रिंट कराएंगे तो एक टपल प्रिंट हो जाएगा ठीक है तो अभी और एक uh, स्टिंग भी है डॉग एक्चुअली थ्री इसके अंदर डेटा आइटम्स हैं थ्री फोर पॉइंट सिक्स और डॉग तो ये थ्री डिफरेंट वैल्यूज़ आपके माई अंडर्स को टपल को असाइन कर दी गई हैं और ये एक टपल है ठीक है पेरेंट्स साइन नहीं है लेकिन एक टपल है क्योंकि पेरेंट साइन ऑप्शनल होता है अगर हम नहीं यूज़ नहीं भी करेंगे तो भी वो एक टपल के एलिमेंट्स ही कंसिडर किए जाते हैं चलिए ठीक अब ये इसको बोलेंगे पैकिंग तो पैकिंग है तो अनपैकिंग भी होगी और अनपैकिंग कैसे होगी चलिए अनपैकिंग जस्ट रिवर्स प्रोसेस है पैकिंग का तो माई अंडस्को टपल को हमने थ्री डिफरेंट वैल्यूज़ असाइन की ऐसा दिखाई देता है पर ऐसा है नहीं एक्चुअली ये आपका एक टपल है जो आपको माई अंडस्कोट टपल वेरुबल को असाइन कर दिया गया लेकिन हम ये चाह रहे हैं यहाँ पर कि ये डिफरेंट थ्री वैल्यूज़ थ्री डिफरेंट वेरुबल्स को असाइन हो जाए इंडिविजुअली तो हम क्या करेंगे तो हम काम हमको ये करना है कि हमको थ्री वेरिएबल ले लें हमने वेरिएबल ले भी लिए ए बी सी सेपरेट किया कॉमा से ए कॉमा बी कॉमा सी और इसको एक वैल्यू और हमने लिखा हमने फिर माए टपल जो एक टपल है उसको असाइन कर दिया ए को तो होगा क्या कि जितने वेरिएबल्स होंगे माई अंडर स्को के वो सभी वैल्यूज़ uh, अलॉट हो जाएंगी वेरिएबल ए को वेरिएबल बी को या वेरिएबल सी को मतलब वन बाई वन जो फर्स्ट है वो ए को असाइन होगी फोर पॉइंट सिक्स बी को असाइन होगी और जो थर्ड वैल्यू डॉग वो सी को असाइन होगी ए बी सी इसी ऑर्डर में असाइन होगा ऐसा नहीं है कि रैंडमली कोई सेलेक्ट होगा ऐसा नहीं हो सेम सीक्वेंस में असाइन होगा वहाँ पर तो अभी असाइन हो गया आपको अभी आपको कैसे पता चलेगा कि ये असाइन हो गया है प्रॉपर वर्क कर रहा है तो प्रिंट करा दीजिए ए की वैल्यू को बी की वैल्यू को सी की वैल्यू को प्रिंट कराएंगे तभी पता चलेगा कि आपको माई अंडर्स को टप्पल को जो डिफरेंट एलिमेंट्स है वो प्रॉपरली डिफरेंट वेरिएबल्स को असाइन हुए हैं या नहीं हुए हैं यानी अनपैकिंग हुई है या नहीं हुई है तो देखिए देखते हैं अनपैकिंग कैसे हुई है तो प्रिंट ए प्रिंट जब ए की वैल्यू को प्रिंट कराएंगे तो थ्री प्रिंट होगा बी की वैल्यू को प्रिंट कराएंगे तो फोर पॉइंट सिक्स प्रिंट होगा और सी की वैल्यू को प्रिंट कराएंगे तो डॉग प्रिंट होगा जो एक स्ट्रिंग है ठीक है इसके बाद मैंने मिक्सड डेटा टाइप इसीलिए लिया है ताकि आपको ये बात अच्छी तरीके से समझ में आ जाए कि टपल के अंदर ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शंस बाउंडेशन नहीं होती कि हम पर्टिकुलर एक ही डेटा टाइप की वैल्यू लेंगे इंटीजर लेंगे, लेंगे या फ्रोट लेंगे या स्ट्रिंग लेंगे हम मिक्स्ड डेटा टाइप की वैल्यू ले सकते हैं और वो भी पैरेंथिस के साइन के बगैर विदाउट यूजिंग द साइन ऑफ पैरेंथिस तो वो पैरंथिस जो होता है वो आपका ऑप्शनल होता है इन दैट केस चलिए आगे देखते हैं आई थिंक अभी आपको पैकिंग और पैकिंग का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा और एम सी ऊपर बनते हैं काफ़ी तो क्लियर uh, होना चाहिए ये मैं अभी आपको एक बात और बता देता हूँ कि न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग टप्पल आपके सिलेबस में नहीं है पर आपको टप्पल और स्टिंग दोनों सिलेबस में नहीं है एक्चुअली एज ए चैप्टर पर एज अ डेटा टाइप आपको ये पढ़ना है इनको समझना है और आपको इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए ठीक है इसीलिए इसके प्रोग्राम को इंट्रोड्यूस किया गया है यहाँ पर ताकि आपको इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो कम से कम और आप ये जान सकें समझ सकें कि एक्चुअली क्या होता है आपका और लिस्ट और डिक्शनरी से कैसे अलग होता है यहाँ पर एक टॉपिक और है और वो टॉपिक ये है कि uh, अगर सिर्फ एक ही एलिमेंट हो दे इज ऑनली वन एलिमेंट इन एटल दैन हाउ वी कैन डिक्लेयर ऑन दिस बिकॉज देखिए यहाँ थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है और ट्रिकी क्यों हो जाता है ये समझने की ज़रूरत है फॉर uh, एग्जाम्पल मैंने लिखा ए इज इक्वल टू फाइव अब अकॉर्डिंग टू द रूल आप पैरेंथिस साइन यूज़ करें ना करें ये मैटर नहीं करता है ठीक है टपल को डिक्लेरेशन में तो अब ये कैसे पता चलेगा कि ये एक वेरिएबल है या एक टपल है क्योंकि सिंगल एलिमेंट है आपने फाइव की फाइव जो वैल्यू ए को असाइन की आपने ए इक्वल इक्वल का मतलब जो मैथ में हम इक्वल साइन लिखते हैं वो हमने इस तरीके से लिखा उसे तो ये कैसे पता चलेगा आपको कि ये एक टपल है या एक सिंगल वेरिएबल है ये यहाँ पर थोड़ा सा सोचना पड़ जाता है भाई एक से ज़्यादा एलिमेंट है ऑब्वियसली वो आपका एक टपल है आपने पेनसिस का साइन यूज़ किया नहीं किया ये मैटर ही नहीं करता लेकिन अगर ऑल देर इज़ ऑनली वन वन ऑल देर इज ओनली सिंगल एलिमेंट तो आप कैसे उसे डिफ्रेंश करेंगे कि ये एक सिंगल वेरिएबल है या फिर ये एक टपल है तो उसके लिए एक इसमें कॉन्सेप्ट है और वो कॉन्सेप्ट ये है थोड़ा सा मैं इसके लिए अलग मेथड ऑप्ट करना पड़ता है इसमें और अगर एक सिंगल एलिमेंट इन दैट केस और हम उसको टपल बनाना चाह रहे हैं ठीक है थीके? तो उसके लिए पहला तो आप जो मेन कॉन्सेप्ट है वो ये है कि हमको कॉमा यूज़ करना पड़ता है अगर सिंगल एलिमेंट को भी डिक्लेयर किया है उसके बाद हमने कॉमा का साइन यूज़ किया है तो एक टपल कंसिडर किया जाएगा लेकिन अगर हमने कॉमा साइन यूज़ नहीं किया तो फिर वो एज़ ए सिंगल वेरिएबल कंसिडर होता है पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर चलिए देखते हैं छोटा सा प्रोग्राम है जो आपको बताएगा देखिए अभी क्या किया हमने माई इंडेक्स को टपल लिया ठीक है और पैनल्थिस साइन के अंदर मैंने एक स्ट्रिंग लिख दी हेलो ये स्ट्रिंग थी हेलो अगर डबल कोटेशन मार्क के अंदर ही लिखी रहती लेकिन चूंकि पैरेंथेसिस का साइन यूज़ किया तो अब ये आपका एक टपल बन गया अब यहाँ पर बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ठीक है सिंगल एलिमेंट है एक स्ट्रिंग है पर यह एक टपल माना जाएगा क्योंकि पैनथिस का साइन यूज़ हो रहा है यहाँ पर ठीक है एक तो बात ये रही दूसरा तरीका ये है कि हम कॉमा साइन का यूज़ कर दें कॉमा साइन का आ, ओके आ, अभी देखिए मैंने इसके अंदर अभी पेरेंसिस का साइन तो यूज़ किया है पर कॉमा यूज़ नहीं किया है ठीक है फर्स्ट एग्जांपल मैं हेलो को लिखा पैरेंसिस का साइन यूज़ किया मैंने बताया पैरेंसिस का साइन ऑप्शनल होता है बट चूंकि सिंगल एलिमेंट है और सिंगल एलिमेंट के साथ आपको कॉमा का यूज़ करना ही करना है तो बेशक अगर पैरेंसिस का साइन भी हो तब भी आपको कॉमा लगाना ही लगाना है क्योंकि वो फिर इस बात की ही नहीं देता कि वो एक आपका टप्पल है आपने किस मकसद के साथ लगाया है वो एक अलग मैटर करता है तो हेलो एक स्टिंग है और इसको पैरेंथिस के साइन के अंदर लिखा है तो ये आपका एक टपल नहीं माना जाएगा जब तक कि आप कॉमा नहीं लगाओगे हाँ अलग ये अलग बात होती है कि हेलो के साथ कुछ और स्ट्रिंग होती हेलो कॉमा वर्ड लिखता तो फिर वो एक टपल माना जाता पर चूँकि यहाँ पर सिर्फ हेलो है एक स्ट्रिंग है और पैरेथिस का साइन भी है पर फिर भी ये टपल नहीं माना जाएगा क्योंकि सिंगल एलिमेंट को टपल कंसीडर करने के लिए पैरेथिस साइन की ज़रूरत उतनी नहीं है जितनी कि कॉमा की है तो कॉमा अगर आप लगाएंगे तो वो आइडेंटिफिकेशन होगी कि ये एक टपल है पैरेथिस साइन है नहीं है ये एक अलग मैटर है इससे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता ठीक है तो आपने हेलो लिखा तो ये एक्चुअली में एक स्टिंग माना जाएगा और जैसे ही आपने हेलो के बाद कॉमा लगाया दूसरा एलिमेंट है नहीं है सेकेंड एलिमेंट है नहीं है इट डजेंट मैटर कोई मैटर नहीं करता वो एक टपल माना जाएगा और पेरेंसेस का साइन है या नहीं ये भी कोई मैटर नहीं करता तो देखिए अब ये थ्री एग्जाम्पल्स हो गए मैंने पहले एग्जाम्पल में माई एंड टपल इज इक्वल टू हेलो लिखा पेरेंसेसाइन के अंदर पेरेंसेज साइन आपकी एक आइडेंटिफिकेशन होती है कि एक टपल है पर यहाँ पर क्योंकि सिर्फ एक ही एलिमेंट है तो इसको आपको ये टपल नहीं माना जाएगा ये स्ट्रिंग माना जाएगा सेकेंड एग्जाम्पल में हमने पेरेंसिस साइन के अंदर हेलो को तो लिखा है लेकिन उसके बाद कॉमा लिखा है तो कॉमा ये पहचान होती है इसकी कि ये एक आपका सिंगल एलिमेंट टपल है थर्ड एग्जाम्पल में हमने हेलो लिखा और पैरेंसिक साइन का यूज़ नहीं किया तो फिर ये आपकी एक पहचान होगी कि ये भी एक उसके बाद कॉमा लिखा तो ये एक आपका डिक्लेरेशन होगा कि ये आपका एक टपल है देखिए आउटपुट देखिए पहले ऑब्वियसली वो बता रहा है कि पहले में आपके एक, ये स्ट्रिंग क्लास को बिलोंग करता है हेलो और सेकेंड और थर्ड में वो टपल को बिलोंग करता है तो एक एग्जाम्पल था आई थिंक आपको क्लियर समझ में आ गया होगा मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि अगर आपको एक सिंगल एलिमेंट का टपल बनाना है तो आपको कॉमा से सेपरेट करना पड़ेगा पैरेंथेसिस साइन की वहाँ पर कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहती जैसे अगर आपने पैरेंथेसिस के अंदर अगर एक सिंगल एलिमेंट को चाहे वो स्टिंग हो फ्लोट हो या इंटीजर हो आपने लिख दिया है वो टपल नहीं माना जाएगा ट वो तभी माना जाएगा जब आप उसके बाद कॉमा का साइन यूज़ करेंगे पेंसिल साइन है नहीं ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ता तो चलिए ये प्रोग्राम हो गया आपका आई थिंक अभी आपको समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट इसका याद रखिएगा कि अगर हमने सिंगल एलिमेंट को या स्टिंग को जैसे फर्स्ट एग्जांपल में मैंने हेलो को लिखा हेलो एक स्टिंग है और इसे पैरेंथिस के अंदर लिखा है तो फिर भी ये आपका टपल नहीं होगा ये एक स्टिंग ही माना जाएगा टपल के लिए सिंगल एलिमेंट टपल के लिए आपको कॉमा का यूज़ करना ही पड़ता है अदरवाइज़ वो आ, टपल नहीं कंसिडर होता इसका आउटपुट है ठीक है अब वह आपको आउटपुट क्लियरली विजुअल होगा आई थिंक चलिए अभी हम बात करते हैं एक और पार्ट की टपल के एक्सेस टपल एलिमेंट्स टपल के एलिमेंट्स को कैसे एक्सेस किया जाए इंडेक्सिंग स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं लिस्ट के लिस्ट में और स्टिंग में तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी यूज़ होता है टपल के टपल में और यहाँ पर नेगेटिव इंडेक्सिंग भी यूज़ होती है तो एक बार फिर से देखते हैं हम कॉन्सेप्ट सेम है अगर आपने लिस्ट को और स्टिंग को ढंग से पढ़ा है तो वहाँ पर जो इंडेक्सिंग का और जो स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट है सेम कॉन्सेप्ट टपल में भी यूज होता है सबसे पहले बात करते हैं इंडेक्सिंग की देखिए टपल के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनकी एक पोजीशन होती है और वो जो पोजीशन उसको इंडेक्स पोजीशन जो बोलते हैं वो आपका ज़ीरो से स्टार्ट होता है ऑल स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो और अगर हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर उस पोजीशन को लिखें और उससे पहले टपल का नाम लिखें तो उस एलिमेंट को पर्टिकुलर हम एक्सेस कर सकते हैं ठीक है जीरो से स्टार्ट होता है फिर वन टू थ्री इस तरीके से आप आगे जा सकते हैं लेकिन अगर आप किसी ऐसे एलिमेंट को एक्सेस करना चाह रहे हैं जो टपल का पार्ट ही नहीं है जिसकी इंडेक्स पोजीशन है ही नहीं इंडेक्स पोजीशन नहीं है तो फिर वहाँ पर एरर शो करेगा ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये एक प्रोग्राम है इंडेक्सिंग से रिलेटेड जो आपको बताएगा कि किस तरीके से इंडेक्सिंग की जाती है इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट इम्प्लीमेंट होता है टपल के अंदर तो एक सबसे पहले एक टपल लेते हैं टपल के एलिमेंट्स लिए मैंने डिफरेंट कैरेक्टर्स लिए यहाँ पर ओके okay. और ये डिफरेंट एलिमेंट्स हैं पी ई आर एम आई टी परमिट ये डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं तो देखिए फर्स्ट एलिमेंट इसका पी है काउंटिंग जीरो से स्टार्ट होती है तो इंडेक्स पोजिशन इसकी होगी ज़ीरो देन ए की वन आर की टू एम की थ्री आई की फोर और टी की फाइव तो अगर आप टपल का नाम लिखें माई अंडस्को टप्पल और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ज़ीरो लिखें पोजिशन लिखें इंडेक्स प्विशन तो आपका जो एलिमेंट प्रिंट होगा उससे पहले प्रिंट स्टेटमेंट अगर हम दे दें तो आपको पी प्रिंट होगा सेम अगर हम माई इंडेक्स को टप्पल फाइव को प्रिंट कराना चाहें तो टी प्रिंट होगा कि इंडेक्स क्वेश्चन फाइव पर टी यहाँ पर प्रेजेंट है ठीक है लेकिन अगर हम किसी ऐसे एलिमेंट को प्रिंट कराना चाहें जिसकी या हम सिक्स को प्रिंट कराना चाहें क्योंकि टी लास्ट एलिमेंट है और टी की जो इंडेक्स क्वेश्चन है वो फाइव है और सिक्स को प्रिंट कराना चाह रहे हैं तो सिक्स पर तो कुछ है नहीं तो उस केस में फिर एरर आएगा आई थिंक ये बात समझ में आ गई होगी सब को चलिए तो देखते हैं सेकेंड जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि जो आ, इंडेक्स होता है वो हमेशा जो रिप्रेजेंट होता है इंटीजर से रिप्रेजेंट होता है उसको आप फ्लोट से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते अगर फ्लोट से रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे भी तो आपने सोचा कि टू और टू पॉइंट जीरो दोनों का वेटेस्ट सेम ही ऑलमोस्ट लेकिन याद रखने वाली बात यह है कि टू एक इंटीजर है और टू पॉइंट जीरो एक फ्लोट वैल्यू तो टू पॉइंट जीरो से थ्रू एक्सेस करने की कोशिश करेंगे तो एरर शो होगी इसमें ठीक है सेकेंड एंड टपल हो तो फिर हम कैसे करेंगे जैसे एक टपल है यहाँ पर टेन अंडरस्कोर को टपल उसके डिफरेंट एलिमेंट्स है माउस फिर एक लिस्ट है जिसका एलिमेंट है एट फोर सिक्स फिर एक uh, टपल है वन टू थ्री अभी इसके एलिमेंट को कैसे एक्सेस करेंगे ऑब्वियसली माउस का जो इंडेक्स है नंबर है वो होगा ज़ीरो लिस्ट का, uh, का होगा वन और जो इनसाइड नेस्टेड uh, टपल है वन टू थ्री जिसके एलिमेंट्स हैं उसका हो जाएगा आपका टू लेकिन अगर हमें लिस्ट के एलिमेंट को एक्सेस करना है तो फिर कैसे करेंगे या टपल के अंदर जो टपल है उसको एक्सेस करना है तो कैसे करेंगे चलिए देखते हैं छोटा सा आपको एग्ज़ाम्पल बताता हूँ मैं आपको फिर आपको दोबारा से स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर पोजीशन लिखनी पड़ेगी तो जो सेकंड टाइम जो आप पोजीशन लिखेंगे वो एक्चुअली एलिमेंट की पोजीशन होगी ठीक है जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया मैंने लिखा है यहाँ पर एन डबल ज़ीरो थ्री और जीरो थ्री दोनों स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखें तो जीरो पर एलिमेंट तो क्या है माउस अब माउस जो एक स्टिंग है उसका इंडेक्स पोजिशन थ्री पर कौन सा एलिमेंट है जीरो पर एम है वन पर ओ है टू पर यू है और थ्री पर एस है तो फिर एस प्रिंट होगा ऐसे ही अगर हम ये करना चाहें वन वन करना चाहें तो वन तो आपका वन पर है एक लिस्ट है और लिस्ट का एलिमेंट एट फोर सिक्स है अब इसमें इंडेक्स पोजिशन वन पर कौन सा एलिमेंट है जीरो पर तो एट है और वन पर है फोर तो फोर प्रिंट होगा इसके इसमें तो इस तरीके से हम नेस्टेड इंडेक्स का कॉन्सेप्ट भी इम्प्लीमेंट होता है इसके अंदर टपल के अंदर एक बार फिर से प्रोग्राम देख लीजिए पहले मैंने सिंपली एक्सेस किया एलिमेंट को पोश्चिंग के थ्रू और उसके बाद नेस्टेड नेस्टेड इंडेक्स का कॉन्सेप्ट इम्प्लीमेंट किया तो नेस्टेड इंडेक्स का कॉन्सेप्ट वहाँ इम्प्लीमेंट होता है जहाँ आप एस्टिंग लिस्ट या टपल डिक्लेयर किए गए हों किसी टपल के अंदर इनसाइड द टपल डिक्लेयर किए गए हों चलिए अब बात करते हैं नेगेटिव इंडेक्सिंग की तो नेगेटिव इंडेक्सिंग आप जानते हैं पहले से क्योंकि ये सेम कॉन्सेप्ट यूज हो रहा था आपका लिस्ट में और स्टिंग में तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ भी इम्प्लीमेंट होगा फर्क सिर्फ इतना ही है मैंने बताया कि टपल आपका है आपका इम्यूटेबल डेटा टाइप है ओके तो पाइथन अलाउज नेगेटिव इंडेक्सिंग फॉर इट सीक्वेंस और नेगेटिव इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट होती है माइनस वन से ऑर्डर जस्ट रिवर्स हो जाएगा उसके बाद माइनस वन के बाद माइनस टू आएगा फिर इस तरीके से आगे हम बढ़ते जाएंगे तो पहले चलिए एक लिस्ट एक टपल लेते हैं टप्पल का नेम लिए मैंने माइंड अंडरस्क्र टपल इसके एलिमेंट ले लिए पी e, ई आर एम आई टी परमिट ठीक है अब मैंने लिखा माई अंडस्क्रोट टपल माइनस वन स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर उसको प्रिंट कराया तो माइनस वन पर कौन सा एलिमेंट है देगी माइनस वन पर एलिमेंट है टी अब हम आ रही जो डायरेक्शन होगी एलिमेंट को एक्सेस करने की वजह से रिवर्स हो जाएगी ठीक है वो पहले आपकी लेफ्ट टू राइट थी तो राइट टू लेफ्ट हो जाएगी अब आपकी तो राइट टू लेफ्ट सबसे पहला एलिमेंट कौन सा आता है टी आता है तो अब टी प्रिंट होगा और अगर मैंने लिखा माई अंडर स्को टप्पल और स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा माइनस सिक्स तो माइनस सिक्स पर क्या प्रिंट होगा माइनस वन पर तो टी है माइनस टू पर आई है माइनस थ्री पर एम है माइनस फोर पर आर है माइनस फाइव पर ई है और माइनस सिक्स पर क्या है पी तो इस केस में फिर आपका पी प्रिंट हो जाएगा ठीक okay? चलिए पी प्रिंट हो जाएगा अब बात करते हैं स्लाइसिंग की स्लाइसिंग uh, तो अभी आपको इंडेक्सिंग समझ में आ गया होगा स्लाइसिंग स्लाइसिंग में स्लाइसिंग uh, का कॉन्सेप्ट ये है कि अगर एलिमेंट एक से ज़्यादा हो और हमको एक्सेस करना हो उनको ठीक है uh, या पर्टिकुलर रेंज के अंदर एलिमेंट को एक्सेस करना हो तो हम कैसे करेंगे सिंगल एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए तो हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर उसकी जो इंडेक्स पोजिशन है वो लिख देते थे, थे लेकिन अगर हमको uh, एक से ज़्यादा एलिमेंट एक्सेस करने हैं पर्टिकुलर रेंज के अंदर करने हैं तो उसको फिर स्लाइसिंग बोलते हैं तो मैथड काफ़ी हद तक वही है स्क्वायर ब्रैकेट का साइन यूज़ करेंगी स्टार्ट पोजिशन लिखेंगे और कॉलन का साइन लगाएंगे और फिर एंड पोजिशन प्लस वन लिखेंगे मतलब अगर एंड पोजिशन वन फाइव है तो हम सिक्स लिखेंगे एक ज़्यादा लिखेंगे उससे तो ये कॉन्सेप्ट रहता है जैसे आपने लिखा uh, सबसे पहले तो uh, हम uh, ये देख लेते हैं कि uh, आपकी टप्पल के एलिमेंट्स क्या हैं टपल के एलिमेंट्स पी आर ओ जी आर ए एम जी आर एम आई प्रोग्राम इज़ तो अभी हमने वन कॉलन फोर लिखा है ठीक है वन कॉलन फोर लिखा आपने वन कॉलन फोर लिखा आपने तो वन पर क्या है आर है टू पर क्या है ओ है थ्री पर क्या है जी है और फोर होगा नहीं ठीक है लास्ट एलिमेंट एक्सक्लूड होता है तो आप इस बात को ऐसे भी समझ सकते हैं जो लास्ट पोजिशन हम लिखेंगे वो एक्सक्लूड होगा जो फर्स्ट होंगे फर्स्ट पोजिशन होगी वो हमेशा इंक्लूड होती है तो फर्स्ट इंक्लूड होती है लास्ट एक्सक्लूड होती है ठीक है फर्स्ट इंक्लूड होती है लास्ट एक्सक्लूड होती है तो एलिमेंट हो जाएंगे आर ओ जी फिर हमने लिखा कॉलन माइनस सेवन अब देखिए हमने स्टार्ट पोजिशन लिखी नहीं तो क्या एरर एर आएगी नहीं एरर नहीं आएगी क्योंकि तो स्टार्ट पोजिशन बाई डिफॉल्ट फर्स्ट फर्स्ट एलिमेंट होता है फर्स्ट फर्स्ट एलिमेंट की जो पोजीशन होती है वो स्टार्ट एलिमेंट होती है मींस एंडेक्स पोजीशन जीरो पर जो होगा वो इसकी स्टार्ट पोजीशन होती है बाय डिफ़ॉल्ट अगर हम नहीं लिखते तो तो वो तो पी है तो पी से स्टार्ट हो जाएगा माइनस सेवन पर क्या है देखिए जेड पर है माइनस वन आई है माइनस टू एम है माइनस थ्री नहीं जेड है माइनस वन माइनस टू पर आई है माइनस थ्री पर एम है ठीक माइनस फोर पर ए है माइनस फाइव पर आर है माइनस सिक्स पर जी है, है और माइनस सेवन पर आपका ओ है और लास्ट हम जानते हैं एक्सक्लूड होता है तो आपका क्या प्रिंट होगा पी और आर तो दो प्रिंट होंगे ठीक है तो ये बात भी समझने वाली थी अभी आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा ये स्लाइसिंग का प्रोग्राम है चलिए तो एक तो वन कॉलन फोर हो गया और दूसरा हमने पोजिशन स्टार्ट पोजिशन नहीं लिखी अब कुछ नहीं यहाँ पर ही आता है कि अगर हम एंड पोजिशन नहीं लिखें तो क्या होगा तो एरर आएगी आंसर नहीं एरर फिर भी नहीं आएगी क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो एंड पोजिशन होती है अगर हम नहीं मैंशन करते तो वो लास्ट एलिमेंट की होती है मतलब वो लास्ट एलिमेंट तक एलिमेंट को एक्सेस करेगा तो हमने स्टार्ट पोजिशन लिखी कॉलन लिखा और एंड पोजिशन को लिखना भूल गया या लिखा नहीं इंटेंशनली वट तो फिर वो लास्ट एलिमेंट तक के सभी एलिमेंट को एक्सेस करेगा इसका मीनिंग यह है अगर मैं लिखूँ प्रिंट माई अंडर टपल स्क्वायर ब्रैकेट में सेवन कॉलन और फिर कॉलन के बाद मैंने कुछ नहीं लिखा मीनिंग इसका मीनिंग यह है कि एंड पोजिशन को नहीं लिखा तो सेवन इंडेक्स पोजिशन से स्टार्ट होकर लास्ट तक जितने भी एलिमेंट होंगे जेड तक जो उसमें जेड था जो प्रोग्राम इस था ना तो लास्ट जेड था जैट तो जेड तक तो प्रिंट करेगा ये ठीक है तो इसका आउटपुट था एक मिनट हाँ तो माइनस सेवन हो गया सेवन कॉलन हो गया हाँ तो ये का था इसका आउटपुट था एलिमेंट बिगनिंग टू द एंड लिखा भी हुआ एलिमेंट बिगनिंग टू द एंड अब एक और केस आता है अब वो केस ये आता है कि ना तो हम स्टार्ट लिखें ना ना ही हमको एंड लिखना हो हम कुछ नहीं लिखते तो क्या होगा फिर उस केस में जब हम कुछ नहीं लिखते तो फिर उस केस में फर्स्ट एलिमेंट से लेकर लास्ट एलिमेंट तक सभी एलिमेंट एक्सेस होंगे ठीक है जैसे आप देख पा रहे हैं तो जो भी ट्रपल के एलिमेंट्स है सभी एलिमेंट एक्सेस हो जाएंगे तो ये छोटा सा प्रोग्राम था आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा तो नेक्स्ट प्रोग्राम हम टपल का कुछ पोर्शन और अभी बाकी है नेक्स्ट वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे और फिर इसके बाद आपका एज़ यूजल जैसे मैंने बताया था आपको पाई डी एस क्यू एल स्टार्ट हो जाएगा थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो